हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेडियाई इज, चार ऑप्शंस आपको गिवन है, आपको बताना है कि करेक्ट ऑर्डर क्या होगा रेडियस का, ठीक है, जो भी दिए हुए हैं यहाँ पर। सो पहले ऑप्शन में लिखा है बेरेलियम एंड बोरॉन। बेरेलियम और बोरॉन एक ही पीरियड में आते हैं, पहले बेरेलियम आता है फिर बोरॉन आता है। सो एक ही पीरियड में आने की वजह से क्या होगा, शेल सेम रहेगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करते जा रहे हैं, साथ में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज कर रहे हैं, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा लगेगा क्योंकि वो डोमिनेट कर देगा नंबर ऑफ शेल्स को, ठीक है। तो इस वजह से आपका बोरॉन का साइज बड़ा होगा और सॉरी बेरिलियम का साइज बड़ा होगा, बोरॉन का छोटा होगा, बट यहाँ उल्टा लिखा हुआ है तो ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट है, ठीक है, तो ये हमारा हो नहीं सकता आंसर। बी में देखते हैं, बी में आप ओ टू नेगेटिव देखो एंड एन थ्री नेगेटिव देखो। ओ टू नेगेटिव के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कितनी है, 10 इलेक्ट्रॉन है, एन थ्री नेगेटिव के अंदर भी 10 इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों क्या है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। सो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में जिसके अंदर ज्यादा प्रोटॉन होते हैं वो क्या करेगा, आपको वो क्या करेगा, साइज को छोटा कर देगा। तो अगर आप देखो, आप यहाँ से प्रोटॉन काउंट निकाल सकते हो, देखो इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है, ठीक है। तो यहाँ से पी बाय ई का रेशो निकाल लो, सो पी बाय ई का रेशो 8/10, दैट इज 0.8 होगा, ठीक है। एंड पी बाय ई का रेशो इसके लिए कितना हो जाएगा, 7/10, दैट इज अगेन 0.7 होगा। तो जिसके लिए ज्यादा वैल्यू बड़ी होगी पी बाई ई रेशियो की, उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, यानी कि उसका साइज क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। इसका साइज यानी कि छोटा होगा ओ टू नेगेटिव का और एन थ्री नेगेटिव का बड़ा हो जाएगा, यानी कि ये ऑर्डर क्या दिया है, बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है। सी में देखते हैं, सी में सोडियम लिथियम एंड पोटेशियम दिया, ये एक ही ग्रुप के एलिमेंट है, फर्स्ट ग्रुप के लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम। तो डाउन द ग्रुप अगर हम जाते हैं तो साइज इंक्रीज हो जाता है, क्यों, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज कर रही है विद द इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज, जो डोमिनेट कर देती है न्यूक्लियर चार्ज को, राइट। इस वजह से पोटेशियम का साइज सबसे बड़ा है, लिथियम का सबसे छोटा होगा, बट यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है, यानी कि ये गलत है। डी में क्या लिखा है, Fe2 पॉजिटिव एंड Fe4 पॉजिटिव लिखा है। तो देखो दोनों के अंदर इलेक्ट्रॉन काउंट डिफरेंट है बट प्रोटॉन काउंट सेम है। सो प्रोटॉन काउंट सेम है बट इलेक्ट्रॉन काउंट डिफरेंट है, तो प्रोटॉन्स क्या करेंगे, लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहे होंगे, होल्ड कर रहे होंगे, तो जिसकी वजह से Fe4 पॉजिटिव का साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो इस केस में आप साइज क्या देखोगे, Fe2 पॉजिटिव का बड़ा होगा Fe4 पॉजिटिव से, ठीक है, बट यहाँ उल्टा दिया है, इस वजह से डी ऑप्शन नहीं हो सकता। सो इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट है, रेस्ट आर इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड, थैंक यू।